देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं लासोटे का 510 का एक छोटा सा बॉटल। इनको पूरी तरह से बर्फ से कवर करके रखना ज़रूरी है। ये देखिए, पूरी तरह से वैक्सीन बर्फ में है। अब इन दोनों बोतलों को आपस में मिला लें, धीरे धीरे मिलाएं, ज़्यादा ज़ोर से ना हिलाएं, और अपने जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, आई ड्रॉप्स, उनमें भर लें और उन्हें बर्फ़ में ही कवर करें। देखिए दोस्तों, अभी वैक्सीन यानी लासोटा बच्चों को देना शुरू हो गया। हर बच्चे की आंखों में एक एक बूंद या आधी बूंद डालना ज़रूरी है। लासोटा करते समय सबसे बड़ी बात जिस पे अपने ध्यान रखना है कि अपना जो आई ड्रॉप्स है जिसके अंदर लासोटा वैक्सीन है वो कभी गर्म ना हो। इसीलिए अगर थोड़ी देर वैक्सीन करने के बाद उसको अपन पुराने ड्रॉप से अल्टी पल्टी कर ले, यानी ये जो ड्रॉप्स हमारे हाथों में है उसको वापस बर्फ में रखें और बर्फ में का दूसरा ड्रॉप अपने हाथ में ले। वैक्सीन फटाफट निपटाने के लिए हमने खड़कनाथ के सभी चूज़ों को एक जगह जब इकट्ठा कर लिया है ताकि वो आसानी से हमारे हाथ में आ सके। वैक्सीन के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर रखें ताकि वैक्सीन फटाफट अपना ख़त्म हो जाए। और हम आपको हमारे अगले वीडियो में बताएंगे कि ब्रॉयलर चूज़ों को वैक्सीन कैसे करते हैं, पानी में कैसे देते हैं, आँखों में कैसे देते हैं। ये सभी बातें आपको हमारे अगले वीडियो में देखने मिलेगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।